नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए विज्ञान के एनसीईआरटी से 5000 क्वेश्चंस के ब्रह्मास्त्र सीरीज का मॉक टेस्ट नंबर, प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 2 लेकर आ गई हैं। ये क्वेश्चंस पिछले 15 सालों से बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, आपके एग्जाम में भी यही से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 100% गारंटी से कहता हूं, अगर आप यहां से साइंस के 5000 क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं तो इनसे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे, ताकि जो भी डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाएं। क्वेश्चंस अच्छे लगे क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों क्विज स्टार्ट करने वाले हैं, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। चलिए फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, क्यूरियम का रासायनिक प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्यूरियम का जो रासायनिक प्रतीक है दोस्तों सीएम होता है, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एग्जाम में आ सकता है क्यूरियम की जो परमाणु संख्या है वो क्या है? तो क्यूरियम की परमाणु संख्या 96 है, 96। कितनी है दोस्तों? 96। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, पारा थर्मामीटर के आविष्कारक कौन है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, पारा थर्मामीटर के आविष्कारक है फारेनहाइट। कौन है? फारेनहाइट। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, चेर्नोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है? सभी क्वेश्चन दोस्तों टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं, जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस दोस्तों इस क्लास में करवा रहे हैं, तो प्लीज क्लास कंप्लीट करना। देखिए चेर्नोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है? तो यह है दोस्तों रेडियोधर्मी अपशिष्ट का। किसका है? रेडियोधर्मी अपशिष्ट का। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों अगर आपने गुरुकुल एकेडमी का मास्टर पीडीएफ नहीं लिया है तो आप जल्दी से इस मास्टर पीडीएफ को ले लीजिए। बिहार पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सीरियस होकर तैयारी करें, सिलेक्शन चाहते हैं, तो ये पीडीएफ आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से आप इस पीडीएफ को ले लीजिए। ऑफर सिर्फ 2 दिन के लिए, 500 रुपये की पीडीएफ आपको 100 रुपये में मिल रही है, 80% का डिस्काउंट चल रहा है। फ़ोनपे गूगल पे के माध्यम से 8395956686 पर दोस्तों 100 रुपये ट्रांसफ़र करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पर शेयर करना, तुरंत आपको पीडीएफ मिल जाएगा। फिर ऑनलाइन डाउनलोड करने का जो लिंक है इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप ऑनलाइन पेमेंट करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको बता दूँ पीडीएफ में क्या क्या मिलेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस, करंट अफेयर्स, स्टैटिक, जीके के टॉप 12000 क्वेश्चन मिलेंगे वो ऑप्शन में और हिंदी माध्यम में। मास्टर पीडीएफ है, जल्दी से दोस्तों आप इस पीडीएफ को ले लीजिए। सिर्फ 100 रुपये में पीडीएफ मिल रही है, 100 रुपये बहुत ही दोस्तों मिनिमम प्राइस इस पीडीएफ का रखा हुआ है आपके लिए, ब्रह्मास्त्र रामबाण बिहार पुलिस के लिए। जल्दी से इस पीडीएफ को लीजिए और तैयारी को मजबूत बनाइए, सिलेक्शन लीजिए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है दोस्तों? तंत्रिका कोशिका है। तो ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तंत्रिका कोशिका। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? बहुत बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये। तो पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है दोस्तों ऑर्निथोलॉजी। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है? दोस्तों आपके एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करवाया जाएगा, साथ में रिवीजन भी करवाया जाएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप डेली क्लास को ज्वाइन कीजिए, जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ यहीं से पूरे के पूरे क्वेश्चन, 100% क्वेश्चन आपको गुरुकुल एकेडमी की क्लास से ही मिलने वाले हैं। तो अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है दोस्तों? खाद्य धाने में पचाता है अमीबा अपना भोजन। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, एस्पिरिन का आविष्कार किसने किया था? एस्पिरिन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? फेलिक्स हाफमैन ने किया था एस्पिरिन का आविष्कार। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, फेलिक्स हाफमैन। अगला क्वेश्चन है, किस दवा को एक चिंतारोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो किस दवा का
दोस्तों बताइए का प्रयोग किया जाता है एक चिंतारोधी दवा के रूप में, तो ये किया जाता है दोस्तों किसका, डाइजेपाम का किया जाता है, डाइजेपाम। तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, डाइजेपाम बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है दोस्तों, तो यह है उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा, किसका है, उत्सर्जन तंत्र का, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्लेस्टेशन का आविष्कार किसने किया था, सभी क्वेश्चन दोस्तों आपको टॉप लेवल क्वेश्चन इस क्लास में मिलेंगे, तो प्लेस्टेशन का आविष्कार किसने किया था, केन कुटरागी ने किया था, प्लेस्टेशन का आविष्कार किसने किया था, केन कुटरागी, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, पोटेशियम परमैंगनेट के एक अणु में कितने ऑक्सीजन मौजूद होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, पोटेशियम परमैंगनेट के एक अणु में कितने ऑक्सीजन मौजूद होते हैं दोस्तों, चार ऑक्सीजन, एक अणु में कितने, चार, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो न्यूटन के पहले नियम के नाम से जाना जाता है, बी ऑप्शन रहेगा दोस्त राइट आंसर। नेक्स्ट है, तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई कौन सी है, तो यह है दोस्तों कौन सी, न्यूरोन है, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, न्यूरॉन ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट है, मस्तिष्क डैश तंत्र का एक हिस्सा है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा है, ऑप्शन ए होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, न्यूटन ने गति के मात्रा का प्रयोग किसके लिए किया था, संवेग के लिए किया था, न्यूटन ने गति की मात्रा का प्रयोग, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्त राइट आंसर, संवेग इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है, मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है दोस्तों, एम जी मैग्नीशियम का दोस्तों याद रखना रासायनिक प्रतीक है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, एग्जाम में आ जाए दोस्तों। मैग्नीशियम का गलनांक बिंदु क्या है, मैग्नीशियम का गलनांक बिंदु है कितना, 650 डिग्री सेल्सियस, याद रखना मैग्नीशियम का दोस्तों गलनांक बिंदु है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, याद रखना ठीक है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, मैग्नीशियम का दोस्तों एटॉमिक नंबर क्या होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, 12 होता है दोस्तों, याद रखना ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था, लुईस ब्रेल ने, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया, लुईस ब्रेल ने किया दोस्तों, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, लुईस ब्रेल, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मानव मस्तिष्क कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है, तो यह संख पाली से, किसे संख पाली, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, संख पाली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क का भाग नहीं है, तो मस्तिष्क का भाग इनमें से कौन नहीं है, तो पिन्ना जो है ये मस्तिष्क का भाग नहीं है, बोन्स थैलामस मेडुला सभी मस्तिष्क के भाग हैं, तो सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्त राइट आंसर। नेक्स्ट है, माइग्रेन के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है, किस दवा का प्रयोग किया जाता है माइग्रेन के इलाज के लिए, तो ये किया जाता है दोस्तों सुमेट्रिप्टोन का, ठीक है, माइग्रेन के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है, तो ये सुमेट्रिप्टोन का प्रयोग किया जाता है, सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सुमेट्रिप्टोन। नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया था, एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था एंटीबायोटिक का आविष्कार, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्त राइट आंसर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट है, सिलाई की मशीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, सिलाई की मशीन का आविष्कार, क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करें, शेयर नहीं किया शेयर करें, सिलाई की मशीन का आविष्कार आइजक सिंगर ने किया, ऑप्शन बी रहेगा दोस्त राइट आंसर, आइजक सिंगर। नेक्स्ट, पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या है, पोटेशियम
पर मैग्नेट का सूत्र है KMnO4, KMnO4। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, टीन का प्रतीक क्या है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, टीन का प्रतीक क्या है दोस्तों? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी, बताइए फटाफट, टीन का जो प्रतीक है क्या है दोस्तों? SN। क्या है दोस्तों? SN है टीन का प्रतीक। एग्जाम में आ जाए कि टीन का गलनांक बिंदु क्या होता है, 232 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों, ठीक है। टीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? टीन का एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों 50। 50 होता है, याद रखना। एक से दो, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन ही जैसे एटॉमिक नंबर या फिर प्रतीक या गलनांक बिंदु यहां से पूछे जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग टाइफाइड बुखार का कारण बनता है? कौन बनता है दोस्तों? बैक्टीरियल बनता है, बैक्टीरियल। तो डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बैक्टीरियल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, टाइफाइड और टीबी किस प्रकार के रोग हैं? टाइफाइड और टीबी किस प्रकार के रोग हैं? तो ये हैं दोस्तों कैसे रोग? जीवाणु जनित रोग हैं टाइफाइड और टीबी, जीवाणु जनित। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, जीवाणु जनित, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे सघन ज्ञात स्थायी तत्व कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे सघन ज्ञात स्थायी तत्व कौन सा है दोस्तों? ऑस्मियम है। पृथ्वी पर सबसे सघन ज्ञात स्थायी तत्व, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, पियानो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? पियानो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया दोस्तों? बार्टोलोमियो क्रिस्टोफोरी के द्वारा, बार्टोलोमियो क्रिस्टोफोरी के द्वारा किया गया पियानो का आविष्कार। तो डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रतिजीव पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? प्रतिजीव पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है दोस्तों? तो ये प्राप्त होता है किससे? कवक से प्राप्त होता है प्रतिजीव पेनिसिलिन, यानी ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? किसने की थी दोस्तों पेनिसिलिन की खोज? तो ये की थी सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? प्रेरक कौशल ललाट भाग के साथ संबंधित, किससे? ललाट भाग, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, ललाट भाग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माग्राही अभिक्रिया है? तो इसमें से कौन सी एक ऊष्माग्राही अभिक्रिया है दोस्तों? जो पसीना निकलना है ना, ये क्या है? ऊष्माग्राही अभिक्रिया है, पसीना निकलना, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा रासायनिक यौगिक अनिवार्यतः सभी विषाणुओं में पाया जाता है? तो कौन सा रासायनिक यौगिक पाया जाता है दोस्तों? प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन, ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, प्रोटीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्रोत से मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है? निम्नलिखित में से किस स्रोत से मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है? तो ये मिलती है दोस्तों किससे? ग्लूकोज से, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, जेबी डनलप ने किसका आविष्कार किया था? डेली क्लास में ये दोस्तों, अगर सिलेक्शन चाहिए डेली क्लास में, गारंटी से कहता हूँ सिलेक्शन हो जाएगा डेली क्लास में, ये अच्छे से पढ़िए, ठीक है, अच्छे से पढ़िए, 100% सिलेक्शन होगा आपका। जेबी डनलप ने किसका आविष्कार किया? न्यूमेटिक रबर टायर का, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, एमिनो अम्ल किसके निर्माण खंड हैं? एमिनो अम्ल किसके निर्माण खंड हैं? जल्दी से आंसर देना इस क्वेश्चन का दोस्तों। एमिनो अम्ल जो हैं ये प्रोटीन के निर्माण खंड हैं, प्रोटीन के, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, प्रोटीन। नेक्स्ट है, कोलेजन एक प्रकार का क्या है? कोलेजन एक प्रकार का क्या है? जल्दी से बताइए आंसर। कोलेजन एक प्रकार का प्रोटीन है दोस्तों, कोलेजन एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है? कौन सी की जाती है? जिनोन गैस का उपयोग होता है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर।
नेक्स्ट, यदि क्रिया तथा प्रतिक्रिया एक ही पिंड पर कार्य करती है तो क्या होगा? यदि क्रिया तथा प्रतिक्रिया एक ही पिंड पर कार्य करती हैं तो क्या होगा दोस्तों? परिणाम शून्य होगा, परिणाम शून्य होगा। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, आहार नली में पेशी संकोचन क्या कहलाते हैं? आहार नली में पेशी संकोचन क्या कहलाते हैं? कर्माकुंचन, कर्माकुंचन कहलाते हैं। सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, कर्माकुंचन। नेक्स्ट है, एक वयस्क मनुष्य में कितने स्वदंत होते हैं? कितने स्वदंत होते हैं एक वयस्क मनुष्य में? चार स्वदंत होते, चार। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है जेट इंजन? तो ये करता है रैखिक संवेग के संरक्षण पर। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, रैखिक संवेग। ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, डोटस नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? डोटस नामक जो इलाज है दोस्तों, ये क्षय रोग के इलाज के लिए किया जाता है। किसके इलाज के लिए? क्षय रोग के इलाज के लिए। तो डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्षय रोग, तपेदिक। ठीक है, याद रखना ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, टीबी। नेक्स्ट, भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई निक्षय पोषण योजना का उद्देश्य डैश रोगियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना है। तो याद रखना, तपेदिक रोगियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना है निक्षय पोषण योजना का उद्देश्य। तो डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक नोबेल गैस नहीं है? इनमें से कौन एक नोबेल गैस नहीं है? तो बोरोन, याद रखना, एक नोबेल गैस नहीं है दोस्तों, बोरोन एक नोबेल गैस नहीं है। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बोरोन। नेक्स्ट है, पावरलूम का आविष्कार किसने किया दोस्तों? पावरलूम का आविष्कार एडमंड कार्टराइट ने किया पावरलूम का आविष्कार। ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, एडमंड कार्टराइट। नेक्स्ट, एक वयस्क मानव के पास कितने केनाइन दांत होते हैं? एक वयस्क मानव के पास कितने केनाइन दांत होते हैं? तो चार केनाइन दांत होते हैं एक वयस्क मानव के पास। कितने केनाइन दांत? चार। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विल्सन रोग का लक्षण नहीं है? इनमें से कौन एक विल्सन रोग का लक्षण नहीं है दोस्तों, कौन नहीं है? तो पैरों या पेट में फ्लूड बनना विल्सन रोग का लक्षण है। रतौंधी, ये तो विटामिन ए का लक्षण है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। ठीक है, बोलने और निगलने या शारीरिक समन्वय में समस्याएं विल्सन रोग का लक्षण है। अनियंत्रित गतिविधियां या मांसपेशियों में अकड़न, ये भी विल्सन रोग का लक्षण है। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, फ्लैजेला किन जीवों में गति हेतु अंशिकाओं के रूप में कार्य करने वाली बालों सदृश संरचनाएं हैं? तो याद रखना सभी मेरे प्यारे साथियों, तो ये बैक्टीरिया है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, दांत के इनेमल का कर्बूरण किस कारण से होता है? दांत के इनेमल का कर्बूरण किस कारण से होता है? पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण होता है, पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण। तो सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, जकारियास जेंसन ने किसका आविष्कार किया था? क्लास को लाइक नहीं किया है लाइक करें, शेयर नहीं किया है जल्दी से शेयर करें। तो जकारियास जेंसन ने किसका आविष्कार किया था दोस्तों? तो माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था जकारियास जेंसन ने। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जकारियास जेंसन, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो इनमें से कौन सा विटामिन है जो प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो ये विटामिन ए है, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनोल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, शुष्काक्षी पोक किस विटामिन की कमी के कारण होता है?
तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है शुष्काक्षिपोक। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? तो इनमें से सबसे कम गलनांक किसका है दोस्तों? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबसे कम गलनांक इनमें से किसका है, बहुत बार एग्जाम में आता है दोस्तों ये, तो याद रखना प्लेटिनम का जो गलनांक है वो कितना होता है दोस्तों? प्लेटिनम का गलनांक होता है 1768 1768 डिग्री सेल्सियस होता है। कार्बन का कितना होता है दोस्तों? जल्दी से कमेंट कीजिएगा फटाफट, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा फटाफट, कार्बन का गलनांक बिंदु कितना होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। कोबाल्ट का कितना होता है दोस्तों? कोबाल्ट का कितना होता है? 1495 डिग्री सेल्सियस होता है। क्रिप्टोन का कितना होता है? ये भी तो एग्जाम में आता है दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्रिप्टोन का जो गलनांक बिंदु है दोस्तों नेगेटिव में होता है, कितना होता है? -157 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे कम गलनांक यहाँ किसका हुआ? क्रिप्टोन का हुआ। किसका हुआ दोस्तों? क्रिप्टोन का हुआ। किसका? क्रिप्टोन। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लंबी कूद में हिस्सा लेने वाला खिलाड़ी कूदने से पहले दौड़ता है क्योंकि वह संवेग प्राप्त करता है। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो गुर्दों से संबंधित है कौन सी है? नेफ्रोलॉजी है जो गुर्दों से संबंधित है। डी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्यतः मूत्र में पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? क्रिएटिनिन पाया जाता है सामान्यतः मूत्र में। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, क्रिएटिनिन। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति ठहरे हुए जल में एक नाव पर खड़ा है, यदि वह तट की ओर चलता है तो नाव का क्या होगा? तट से दूर होती जाएगी। ठीक है, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना, कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? सबसे कम गलनांक दोस्तों इसमें आर्गन का है। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आर्गन का जो गलनांक है दोस्तों कितना होता है? नेगेटिव में होता है -189 डिग्री सेल्सियस, याद रख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो द्रव्यमान जो है ये जड़त्व का माप है। ऑप्शन सी रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, मूत्र त्याग करने से पहले वह मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र के किस भाग में संग्रहित होता है? तो यह संग्रहित होता है कहाँ? मूत्राशय में संग्रहित होता है। डी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, मूत्राशय। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मगरमच्छ में कितने प्रकोष्ठीय हृदय होता है? कितने प्रकोष्ठीय? 4 प्रकोष्ठीय हृदय होता है मगरमच्छ में। सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, 4 प्रकोष्ठीय। नेक्स्ट है, घोंगों का संबंध किस संघ से है? घोंगों का संबंध किस संघ से है? तो ये दोस्तों मोलस्का से, किससे? मोलस्का से है। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मोलस्का। नेक्स्ट है, प्राकृतिक स्रोत अमल का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्राकृतिक स्रोत और जो अमल का जो, इनमें से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? प्राकृतिक स्रोत अमल का इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? संतरा में साइट्रिक अम्ल होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, दही में लैक्टिक अम्ल होता है, इमली में दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल नहीं होता है। तो डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। तो प्लीज़ मुझे है ना दोस्तों कमेंट करके बताएगा, सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़, इमली में कौन सा अम्ल होता है? ये क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों मैं छोड़ता हूँ, तो प्लीज़ मुझे बताएगा इमली में कौन सा अम्ल होता है। नेक्स्ट, किसी वस्तु के जड़त्व को उसके डैश द्वारा मापा जाता है? किसके द्वारा मापा जाता है? द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, शरीर में किसकी गंभीर कमी के कारण क्वासियोरकर नामक रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी के कारण होता है दोस्तों क्वासियोरकर नामक रोग। डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है,
निम्न में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है, किस पाचन अंग में अम्ल होता है, ये होता है अमाशय में। ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर अमाशय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। दोस्तों फार्मिक अम्ल होता है चींटी के डंक में, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर फार्मिक अम्ल। नेक्स्ट है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, हवाई जहाज का निर्माण, हवाई जहाज का जो आविष्कार है ये किया ओरविल और विल्बर राइट ने, राइट ब्रदर्स ने। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं, पौधों के रस से ग्रहण करते हैं, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, सबसे बड़ा अंग त्वचा है दोस्तों, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, वर्णांता हमारे शरीर में किस कोशिका की गड़बड़ी के कारण होती है, तो वर्णांता नामक जो रोग है शंकु कोशिका में गड़बड़ी के कारण होता है, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर शंकु कोशिका। नेक्स्ट है, एयरबैग का आविष्कार किसने किया दोस्तों, एयरबैग का आविष्कार किसने किया, एसन जोर्डनोफ ने किया, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर एसन जोर्डनोफ, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी का नाम क्या है, मानव शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी का नाम है सर्टोरियस मांसपेशी, सर्टोरियस मांसपेशी, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, ऑटो राइनो लैरिंगोलॉजी मानव शरीर के निम्न में से किन भागों के साथ व्यवहार करता है। दोस्तों ऑटो राइनो लैरिंगोलॉजी जो है ये कान नाक और गले के साथ व्यवहार करता है, कान नाक गला, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मधुमक्खी के डंक में क्या होता है, मधुमक्खी के डंक में अम्लीय तरल होता है, अम्लीय तरल, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर अम्लीय तरल। नेक्स्ट है, डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है, डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है, तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, हम दूध का विशिष्ट गुरुत्व कैसे मापेंगे, हम दूध का विशिष्ट गुरुत्व कैसे मापेंगे, हाइड्रोमीटर का उपयोग करके, ठीक है, ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जनित नहीं है, इनमें से कौन सा रोग जल जनित नहीं है दोस्तों, जो हेपेटाइटिस ए सॉरी खसरा जो ना खसरा, ये जल जनित रोग नहीं है खसरा, ऑप्शन बी रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस विटामिन का सूक्ष्म सॉरी किस प्रकार का माफी चाहता हूँ किस प्रकार का सूक्ष्म जीव टाइफाइड का कारण बनता है, तो जीवाणु बनता है दोस्तों टाइफाइड का कारण, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। टाइफाइड का दोस्तों किस कैसे पता लगाया जाता है, विडाल टेस्ट के द्वारा, विडाल टेस्ट। नेक्स्ट, एक सीधी सड़क पर कार की गति किस गति का उदाहरण है, तो रेखी गति का उदाहरण है, कौन सी गति, रेखी गति, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, H2O के साथ चूने को मिलाने पर क्या प्राप्त होता है दोस्तों, H2O के साथ चूने को मिलाने पर प्राप्त होता है भुजा हुआ चूना, भुजा हुआ चूना, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, एड्स फैलाने के लिए कौन सा प्रेरक एजेंट जिम्मेदार है, एड्स फैलाने के लिए, एड्स फैलाने के लिए कौन सा एजेंट, विषाणु जिम्मेदार है, ए ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर विषाणु। नेक्स्ट है, विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो विल्स रोग में प्रभावित होने वाला अंग है दोस्तों कौन सा, किडनी है, विल्स रोग में प्रभावित होने वाला अंग, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर किडनी। नेक्स्ट है, आंखों से संबंधित कई बीमारियां मुख्य रूप से किसकी कमी के कारण होती हैं, तो विटामिन ए की कमी के कारण होती हैं आंखों से संबंधित कई बीमारियां, सी ऑप्शन रहेगा दोस्त राइट आंसर विटामिन ए। नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी का परिणाम डैश होता है, तो क्या होता है दोस्तों विटामिन ए की कमी का परिणाम, तो ये होता है जेरोप्थेलमिया, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर जेरोप्थेलमिया, सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है,
चीन के वैज्ञानिकों ने किस जानवर को पहली बार सफलतापूर्वक क्लोन किया है? तो किसको किया? बंदर को किया। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कीटों में स्थित श्वसन अंग का नाम क्या है? कीटों में स्थित श्वसन अंग का नाम श्वसन नली। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है? तो यह प्रूसिक अम्ल, प्रूसिक अम्ल है घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? दोस्तों डेली क्लास में आना है, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, टॉप क्वेश्चन के साथ दोस्तों डेली क्लास होती है, कोई भी क्लास मिस मत करना अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। गारंटी से कहता हूँ डेली क्लास में ये जितने भी क्लास लेकर आता हूँ सभी क्लास लगाइए, सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। टॉपिक वाइज क्लास भी आपको मिलेंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप डेली क्लास में आना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर भी कर देंगे, ठीक है। देखिए, कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये करती है अपकेंद्रीकरण पर। अपकेंद्रीकरण डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, अपकेंद्रीकरण। नेक्स्ट है, सीसा भौतिकी के किस सिद्धांत का उदाहरण है? किस सिद्धांत का उदाहरण है? बल का उदाहरण है, बल। ए ऑप्शन रहेगा दोस्त राइट आंसर, बल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के कारण फास्फोरस सल्फर और क्लोरीन का उपयोग करते हुए घरेलू विरंजक निर्मित होते हैं? तो याद रखना दोस्तों, असमानुपातन अभिक्रिया का, असमानुपातन अभिक्रिया के कारण फास्फोरस सल्फर और क्लोरीन का उपयोग करते हुए घरेलू विरंजक निर्मित होते हैं। तो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, केसिका फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? एल वाटरमैन ने किया, एल वाटरमैन। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, अग्नाशय की कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन का निर्माण करती हैं? तो ये बीटा कोशिका करती है दोस्तों, याद रखना इंसुलिन का निर्माण। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्त्राव होता है? तो ये होता है अग्नाशय से, ठीक है। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार विलहेम कोनराड रोएंडजन ने किया था। डी ऑप्शन रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, सफेद फास्फोरस को किस में संग्रहित किया जाता है? तो सफेद फास्फोरस को पानी में संग्रहित किया जाता है। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, पानी। नेक्स्ट है, विटामिन डी की सबसे, विटामिन डी की लंबे समय तक कमी के कारण कौन सा रोग होता है? दोस्तों कौन सा रोग होता है? ये होता है रिकेट्स नामक रोग, ब्लास्थिविकार। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में किया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस का दोस्तों जो उपयोग है बिजली के बल्बों में किया जाता है। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो भी कंप्लीट हो गए हैं। क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करें, शेयर नहीं किया शेयर करें, पहली बार आए हैं क्लास में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे फ्री पीडीएफ के लिए। और दोस्तों क्विज भी स्टार्ट करने वाले हैं तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिएगा, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इस क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।